Hey, what's up, guys? Welcome back to another video. Or my name is Martin, and you are watching Techola Munch YouTube channel. Or today we will discuss about Huawei Y9A. तो डिज़ाइन अच्छा है, बट मुझे फ़ोन अच्छा लगता है या नहीं, वीडियो के एंड पे बात करेंगे. सो दिस इज़ आ Huawei 9A जो कि लॉन्च हो चुका है, जिसकी 44 प्राइस दी जा रही है, 44K इन PKR. दिस इज फ्लाई. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द मेन फीचर्स ऑफ दिस सेल फोन. क्या मेन फीचर दिए गए हैं? वैसे ये पॉप सेल्फी वाला है, इसका मोटरोला कैमरा है. तो 64 मेगा क्वाड कैमरा सेटअप है. बैक साइड भी डिज़ाइन उसका काफ़ी चिकना डाला है इस दफ़ा उन्होंने. 40 वाट का हवावे का सुपर चार्ज दे दिया है, और 8GB रैम और 128GB रोम के साथ, और 6.63 इंचेस का अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले है. 90Hz नहीं है, 60Hz है, और IPS पैनल है. सो डिज़ाइन की बात करें तो भाई बैक साइड पे चार कैमरे हैं, गोल मा चिकने स्टाइल में, और मोबाइल के साथ को उभरे हुए हैं. नीचे वाली साइड की बात करें तो आपको वहाँ पे एक टाइप सी की कनेक्टिविटी मिल जाती है, स्पीकर्स मिल जाते हैं, माइक्रोफोन मिल जाता है, और सिम एजेक्शन वाली जगह मिल जाती है. राइट साइड पे बात करें तो भाई आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, वॉल्यूम आपको डाउन बटन मिल जाता है, और बैक साइड उसी के पिक्चर में आप देखें, इसी पिक्चर के देखो तो ये जो कैमरा आप देख रहे हैं तो बाइक के साइड को निकला हुआ है. मैंने जब आप इसको टेबल के ऊपर रखोगे कुछ इस तरह से, तो वो कैम टेबल के साथ लग रहा होगा, तो स्क्रैचेस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं मे बी, ऐसा मुझको लग रहा है डिज़ाइन देखने के बाद. सो जैसा लग रहा है डिज़ाइन लाइक दिस कि आप देखो तो काफ़ी उभरा हुआ है. अगर हम अपसाइड बात करें तो अपसाइड क्लीन है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे. मेरा ख्याल से वहाँ पे थोड़ी जैक होगा क्योंकि हैंड फ्री भी ज़्यादा मिलती है. सो देखो, अगर हम कैमरे की बात करें तो ऊपर साइड फ्लैश है, और इसका जो कैमरा है बाइक साइड को निकला हुआ है, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. मैंने भी लास्ट रिसेंटली मैंने एक सेलफोन को रिव्यू किया था, तो उसका काफ़ी स्लिमिश था. मेन अभी मेरे माइंड में नहीं है, अगर मिल गया तो मैं उसकी वीडियो आई बटन में दे दूंगा और जाकर देख लो. दिस स्लिमिश बीस्ट आई थिंक वो रियलमी का था, शायद रियलमी C17. चिपसेट की बात करें तो इसके अंदर मीडिया टेक का हीलियो G80 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर यूज़ किया गया है, 12 नैनोमीटर वाला, 44K की रेंज में, और GPU दिया है माली G52 MC2. बट अगर हम बात करें इसके ऊपर इसकी ऑप्टिमाइजेशन और चिपसेट पे, ये जो पबजी चलेगी ना वो भाई HD के ऊपर ना हाई पे चलेगी. अगर आप स्मूथ या बैलेंस पे जाओगे तो वो एक्सट्रीम पे जाएगी, यानी 60 फ्रेम्स लॉक. तो मैंने समझ रहा कि ये गुड चिपसेट है, तो नॉट वैल्यू फॉर मनी इन दिस रेंज, क्योंकि और भी काफ़ी अच्छे सेलफोन मिलते हैं जो कि अच्छे और 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं. तो बट इसकी स्पेसिफिकेशन ये है, बाकी परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है. लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा. जो मेन कैमरा इसका है बैक साइड पे, गोल क्वाड कैमरा है. मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल 1.8 अपर्चर के साथ है, जो कि डिसेंट है, लुक अच्छी आएगी. 8 मेगापिक्सल F2.4 अल्ट्रा वाइड है. F2.4 बहुत ज़्यादा है, कम होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी चीज़ में अच्छी दो, बट मुझे नहीं लगता कि ये वैल्यू फॉर मनी होगा. 2 मेगापिक्सल होगा इसका मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ F2.4 के साथ. और अगर हम बात करें इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, 4K at 30 फ्रेम्स और 1080p 30 फ्रेम्स मिलेगा वीडियो रिकॉर्डिंग में. अगर बात करें फ्रंट की, ऑन योर राइट साइड अगर ये देखो तो ये पॉपअप सेल्फी वाला आएगा. 16 मेगापिक्सल का मोटराइज पॉपअप कैमरा होगा F2.2 अपर्चर के साथ. 1080p एट 30 फ्रेम्स वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा. तो ठीक है कैमरास, तो पर मुझे जो चिपसेट है वो इतना सेटिस्फाइड नहीं किया है. बैटरी की बात करें, 40 वाट का फास्ट चार्जर देखने मिलता है, 4200mAh के बैटरी मिलेगी, जो कि आपको कोई आधे घंटे या घंटे में, या आई थिंक घंटे में आपको चार्ज कर देगा, यानी 55 मिनट. ये स्टॉप वॉच एक मैंने बंदे का ट्विटर देखा था, वहाँ से मैंने पिक्चर उठाई है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई थिंक इसमें यही कुछ बताने वाला था, ज़्यादा कुछ था नहीं. तो आई होप कि आपको आज की जो वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो थम्स अप, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, और सजेस्ट मेरी नेक्स्ट वीडियो किस मोबाइल फ़ोन के ऊपर हो. ये तो मैं तो फिर लाता रहूँगा, और आपको जो नहीं मिल रहा कॉन्टेंट वो मुझे बताओ, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, कुछ तो यूनिक हो. सो सी यू नेक्स्ट वन. पीस आउट.